तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार हाँ मैं जिंदा हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई तू जिंदा है ना, मर तो नहीं गया। तो मैं बता दूँ मैं पहले जिंदा हूँ, ठीक है। मेरे एग्ज़ाम वगैरह आ रहे थे तो एग्ज़ाम हो चुके हैं ख़त्म, अब मैं हो चुका हूँ टोटली फ्री। तो ठीक है यार, तुम लोगों ने मतलब इतना सपोर्ट और इतना प्यार दिखाया उसके लिए थैंक यू सो मच यार, मतलब इतना याद करने के लिए भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खैर छोड़ यार, वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। फिलहाल हम देखते हैं जो लिनी होता है ना और जो यैन होती है, मतलब लियांग की बहन, वो दोनों साथ में यूनिवर्सिटी वगैरह आ रखे होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनका फंक्शन वगैरह होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों आते हैं। अब वो जैसे ही आ रहे होते हैं ना, वहीं पर हम देखते हैं जो गार्ड होता है वो इन दोनों को रोक लेता है। कह रहा होता है कि देखो तुम लोग ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो चुके हो, ठीक है, अब कोई भी इसके अंदर आ नहीं सकता, समझे, चलो बाहर जाओ यहाँ से। अब ये जो गार्ड होता है वो इन दोनों को भगा रहा होता है, कह रहा होता है कि सर मैम आप प्लीज़ चले जाओ यहाँ से क्योंकि सेशन एंड होने वाला है। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, वो कह रही थी तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो, हैं तमीज़ है कि नहीं है, वो दिखाई दे रहा है वो जो बंदे हैं ना वो मेरे डैड हैं डैड। अब हम देखते हैं वो एक अंकल की तरफ इशारा कर रही होती है, वो कह रही होती है कि वो मेरे डैड है। अब वो जैसे ही ये बात सुनता है ना जो गार्ड होता है, वो गार्ड हैरान हो जाता है, कह रहा था कि थैंक यू और सॉरी 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 मैम मेरे को माफ़ कर देना, प्लीज़ आप लोग अंदर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब वो आराम से बुला लेता है इन दोनों को अंदर की तरफ। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों अंदर की तरफ आ चुके होते हैं और हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना यैन, वो कह रही होती है कि देखो मिस्टर लिन सुनो ब्रदर लिन, देखो मेरे पापा ना मेरा नाम अनाउंसमेंट अनाउंस वगैरह करने वाले हैं, ठीक है, उनकी जो मतलब प्रोग्राम है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है, एंड होने वाला है, तो वो मेरे को अनाउंस करने वाले हैं तो मैं होकर आती हूँ, ठीक है। लिनी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है जाओ जाओ तुम, बाय बाय टाटा। अब लिनी भी उसे जाने के लिए बात बोल देता है। फिलहाल हम देखते हैं उसके डैड भी मतलब अनाउंस वगैरह कर रहे होते हैं और बातचीत वगैरह कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे थे थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया और इतना प्यार से मतलब सुनने के लिए मेरी बातों को, थैंक यू सो मच। उनकी प्रेजेंटेशन एंड हो चुकी होती है, तभी हमें दिखाई देता है कि जो लिनी होता है ना वो थोड़ा साइड में देखता है, उसे कुछ दिखाई देता है। अब हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे और कोई नहीं, वहाँ पे ली चौहान होती है, वो अपने दो तीन दोस्तों के साथ में होती है। फिलहाल हम देखते हैं वहाँ पे जो एक फ्रेंड होती है ना वो उसकी दोस्त, वो कह रही होती है कि चौहान देखो मुझे लगता है ना तुमने अपनी सारी एनर्जी अपने कैरियर के ऊपर बिता दिया है, सच में मतलब कॉलेज स्पेंड हुए कितना टाइम बीत चुका है और तुम मतलब अभी तक सिंगल हो यार, तुमने अभी तक बंदा नहीं बनाया। दूसरी वाली लड़की भी कह रही होती कि हाँ वैसे पता है वो जो पर्सन है ना जिसने तुमसे नंबर लिया था वो पर्सन काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। अब इन दोनों की ना मिली भगत होती है एक बंदे के साथ में। फिलहाल वो कह रही होती है कि वो पर्सन काफ़ी अच्छा है और उसकी फैमिली भी काफ़ी अच्छी है। अब ये ना चैन के बारे में बात कर रहे होते हैं, चैन रुई नाम का, अभी बंदा टपक भी जाता है, जरा इसकी शक्ल देखो। फिलहाल हम देखते हैं वो आ चुका होता है, वो बंद लड़की कह रही होती है कि चुप हो जाओ वो बंदा आ रहा है, अब वो चुप होने की बात कर देती है। फिलहाल हम देखते हैं सब साइलेंस हो जाते हैं। अब ली चौहान उसकी शक्ल देख के कह रही होती है कि तुम लोग क्या बकवास बातें कर रहे हो, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे टाइप का नहीं है यार, मेरे को इससे कोई फील नहीं हो रही, कोई अटैचमेंट वगैरह कुछ भी फील नहीं हो रहा। ली चौहान साफ साफ मना कर देती है, लेकिन हम देखते हैं वो पर्सन आता है, कह रहा था कि हे डायरेक्टर लियो, मतलब ली चौहान की बात बात कर रहा होता है, कह रहा था कि देखो मीटिंग के बाद क्या हम लोग डिनर पर चल सकते हैं क्या, देखो मैंने ऑलरेडी जो रिजर्व वगैरह है ना वो टिकट वगैरह बुक कर रखी है, ठीक है, हम लोग की टिकट मतलब सॉरी रिजर्वेशन जो होता है वो मैंने बुक कर रखी है होटल में, तो प्लीज़ मना मत करना। अब वो ऐसी बात बोल रहा होता है लियो चौहान से, लियो चौहान कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना सॉरी सॉरी हमारी ना मीटिंग है, मतलब मेरी और मेरे कुछ दोस्तों के साथ में हमारी मीटिंग है, ठीक है, हम लोग आज साथ में खाना खाने या डिनर पर जाने वाले हैं तो मैं नहीं आ सकती आपके साथ। तभी हम देखते हैं भाई उनकी दोनों जो फ्रेंड होती है ना वो मना कर रही होती है, पहली वाली कह रही होती है कि सॉरी सॉरी मेरे को तो हस्बैंड के साथ जाना है, दूसरी वाली भी कह रही होती है कि हाँ मेरे को ना अपनी सासू माँ का खाना पीना बनाना है तो मैं नहीं आ सकती सॉरी मुझे माफ़ कर देना। अभी दोनों मुकर जाती हैं बात से, लियो चौहान कह रही होती है क्या भाई अभी तो तुम दोनों ने मेरे को बोला था, क्या है ये तुम बात पे मुकर कैसे रही हो अचानक, क्या माजरा है ये। अब लियो चौहान यहाँ पे इनके ऊपर गुस्सा कर रही होती है, फिर से हम देखते हैं साइड में पलटती कह रही होती है कि फिर भी मेरे को अभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाना है, ठीक है, अगर मेरी मीटिंग भी होती है तो फिर मैं हॉस्पिटल चले जाऊँगी या फिर कुछ भी होगा मैं हॉस्पिटल चले जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी डिनर पर। तभी हम देखते हैं उसकी फ्रेंड उसे साइड में ले जाती, कह रही थी कि तू इधर आ मेरे पास, क्या कर रही है पागल है क्या, इतना अच्छा मौका मिला है भाई, दिल नहीं है क्या तेरे पास, आखिर चल क्या रहा है, देखना कितना अच्छा बंदा है वो, तेरे साथ बिल्कुल अच्छे से मैच हो रहा है, क्या चाहती है तू। अब उसकी फ्रेंड ऐसा कुछ बोल रही होती है लियो चौहान से, लियो चौहान कह रही होती है देखो मुझे लगता है कि तुम दोनों ने अपना दिमाग साइड में उठा के फेंक रखा है, ठीक है, वो मेरे टाइप का है ही नहीं तो इम्पॉसिबल है हम दोनों का मैचअप हो पाना, ठीक है, तो ये सब छोड़ दो। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन ना चैन कह रहा होता है कि अरे देखो मुझे माफ़ कर देना, मैं तो बस तुम्हें डिनर के लिए ही बुला रहा था, मतलब मील के लिए बुला रहा था और कुछ भी बात नहीं है मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है, समझे। तभी हम देखते हैं भाई लिनी यहाँ पे आ चुका होता है, वो कह रहा होता है कि देखो बेटा वो तेरे को दूसरा चांस देने वाली ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे साथ डिनर पे जाने वाली है। अब लिनी ये बात बोलता हुआ आगे की तरफ आ चुका होता है। अब हम देखते हैं जैसे लिनी ये बात बोलता हुआ आगे जाता है ना, लियो चौहान देखती कह रही थी कि अरे तुम यहाँ पर कैसे। अब वो जैसे ये बात बोलते हैं ना हम देखते हैं भाई लिनी इसकी सबसे पहले क्या करेगा भाई, वो कमर में हाथ डालेगा और क्या करेगा। फिलहाल हम देखते हैं उसके कमर में हाथ डालता है, कह रहा होता है कि देखो ये ऑलरेडी मेरी है, ठीक है, तू बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है तो तू कहीं और जाके ट्राई कर जहाँ पे तुझे कूल लगे, ओके, तो तू जा यहाँ से। अब लिनी ये बात बोलता है वो बंदा क्या क्या क्या
डायरेक्टर लियू ये क्या हो रहा है। अब वो उसे बताती है कि ये मेरा ना बॉयफ्रेंड है। अब वो ये शर्माते शर्माते बता रही होती है। अब जैसी वो ये बात बताती है ना, उनकी दोनों फ्रेंड कह रही होती, क्या चौहान तुम, मतलब तुमने बताया क्यों नहीं, तुमने इतना अच्छा इतना हैंडसम बंदा बता रखा है। ओहो, अब वो पर्सन घबराता हुआ, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करने वाला, ठीक है बाय बाय। अब वो ये बात बोल के जा चुका होता है, बेचारे का दिल टूट गया यार यहाँ पर। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदे कह रही होती है कि अरे मुझे तो डर लग रहा है तुम्हारी शादी होगी भी कि नहीं होगी। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि चलो ना चलते कहीं, मतलब अच्छी सी जगह पर चल के खाते पीते हैं और बात करते हैं, ठीक है। अब लेनी इनसे जाने की बात कर रहा होता है ली चौहान से, लेकिन हम देखते हैं ये दोनों बोल रही होती हैं, कह रही थी कि देखो फिर अगर ऐसी बात है तो हम फॉर्मल नहीं होंगी। अब दूसरी लड़की कह रही होती है कि देखो यानचिंग में ना मैं ही इस लड़की को लेकर आई थी, और मेरे को पता है आखिर हमें यहाँ पे घूमने वाली जगह पे कहाँ पर है क्या नहीं है, ठीक है तो हम सब लोग साथ में चलते हैं। लिनी कह रहा है, लिनी कह रहा होता है देखो तुम दोनों ने तो अभी बोला था ना कि तुम दोनों के पास टाइम नहीं है, तो फिर तुम दोनों यहाँ पे कैसे ही। अब वो दोनों बेचारी कुछ बोल नहीं पाती। लिनी कह रहा था खैर मैं मजाक कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, देखो मैं यानचिक ना मतलब अभी आया नहीं हूँ कभी, तो मेरे को नहीं पता आखिर मेरे को कहाँ पे जाना चाहिए, तो तुम दोनों डिसाइड करो कि कहाँ पर जाना है, ठीक है। अब वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है फिर मेरे को तो पता है यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं, ठीक है क्यों ना वहाँ पे चल के ट्राई करें। अब लिनी भी मान जाता है और ये लोग भी जा चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग एक नया रेस्टोरेंट में आ चुके होते हैं। अब जैसे ही रेस्टोरेंट के पास में आते हैं हम देखते हैं लिनी टैक्सी ड्राइवर को बिल पे वगैरह सब कुछ कर देता है, और इनकी जो गाड़ी होती है वो भी जा चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं ये जो तीनों चारों बंदे होते हैं वो रेस्टोरेंट के अंदर जा चुके होते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि एक पर्सन, और वो जो पर्सन होता है ना चैन, वो भी दिखाई देता है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे भाई देख वो जो लड़की है जिसे तू चेस करने वाला था लियू चुहान, वो तो किसी और लड़के के साथ में है, तूने उसे छोड़ दिया क्या। अब ये पर्सन उस पर्सन से पूछ रहा होता है, वो पर्सन कह रहा होता है कि यार छोड़ना, मैंने सोचा था कि मैं उसे पिकअप कर लूँगा लेकिन शिट उसने किसी और लड़के के साथ में है, वो लड़का छीन के ले गया मेरे को, मतलब उस लड़की को, क्या करूँ मैं। अब वो पर्सन कह रहा था कि अरे छोड़ ना चल कोई बात नहीं, आज ना एक बहुत बड़ा इवेंट पार्टी होने वाला है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह आने वाले हैं, चलो ना वहाँ पे चल के मूड एंजॉय करेंगे, क्या रखा है इन लड़कियों के चक्कर में। अब उसका दोस्त ये सब बता रहा होता है उसे और मतलब फुसला रहा होता है इस टाइप में। वो बंदा कह रहा था कि ठीक है फिर चलो चलते हैं, हम वेट किसका कर रहे हैं यार, चलो चलो मौज मस्ती करेंगे। फिलहाल बंदे के लिए दुख मतलब दुख तो लग रहा है बट क्या कर सकते हैं यार, अब कट गया तो कट गया। खैर हम देखते हैं रेस्टोरेंट के बाहर ये लोग आ चुके होते हैं और अंदर बैठ चुके होते हैं। फिलहाल वो लड़की पूछ रही होती है कि आखिर चौहान तुम दोनों मिले कब थे, बताओ जरा तुमने तो मेरे को ये बताया ही नहीं। अब चौहान बता रही होती है, कह रही थी कि ये ना हमारे मतलब जो डिपार्टमेंट है उसके सर्जन है, दिलों के सर्जन है, और तब से ही मेरे को मतलब हो गए पसंद और क्या। अब वो बता रही होती, कह रही थी क्या ये इतनी सी कम एज के अंदर मतलब हुआसन हॉस्पिटल के डायरेक्टर बन गए कैसे। अब उस लड़की को बिलीव नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर दूसरी लड़की कह रही होती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, वैसे तुम क्या एम कंट्री से आए हुए हो, मेरे को तो लगता है ऐसे क्योंकि मतलब तुम्हारा लेवल मुझे लगता नहीं कि ऑर्डिनरी लेवल होगा। अब ये दोनों ना मतलब गैस कर रहे होते लेनी के बारे में। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत टाइम पहले हॉस्पिटल का काम करता था, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया और अब मैं कुछ भी काम नहीं करता। अब लेनी ये बात बोल रहा होता कह रहा था कि मैंने बहुत टाइम पहले किया था ये काम। वो कह रही थी कि अच्छा तो इसका मतलब तुम बहुत पावरफुल हो, इसीलिए तो तुम मतलब तुम्हें तो इस हॉस्पिटल में काम करना चाहिए था, तुम्हारे अच्छे अच्छे डेवलपमेंट और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है यार। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की दूसरी वाली लड़की कह रही होती है कि इसका मतलब तुम्हारा काम ना बहुत हार्ड होगा इसलिए तुमने छोड़ दिया, इसलिए तुमने आसान जॉब ढूंढ ली है ना, है ना बात सच है ना, ये तुमने अपनी जॉब स्विच कर ली है ना। लिनी कह रहा होता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो फार्मिंग का काम करता हूँ। अब जैसे लिनी ये बात बोलता है ना भाई, हम दोनों मतलब हम लोग देखते हैं वो दोनों लड़कियाँ ना मतलब सौगड़े जाती है, कह रही थी क्या फार्मिंग, तुम फार्मिंग काम कर रहे हो, अब मतलब खेती बाड़ी का काम करना यार गुनाह भी नहीं है, मतलब ऐसा भी क्या है। फिलहाल हम देखते हैं लियू चौहान उसे साइड में उठा के कुछ लेकर आ जाती है कुछ दिखाने के लिए। अब हम देखते हैं ये दोनों ना एक दूसरे से बातें कर रही होती है, वो कह रही होती है कि ये बंदा पागल है क्या, पहले वाली लड़की ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि बंदा पागल है क्या। दूसरी वाली लड़की कह रही होती है कि हाँ अगर ये बंदा हैंडसम नहीं होता ना तो मैं इसे पागल ही घोषित कर देती, मतलब ये डायरेक्टर से मतलब जो डिपार्टमेंट का हेड होता है उससे ये सीधा फार्मिंग का काम। हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये डायरेक्टर बन कैसे गया उस हॉस्पिटल का। तभी हम देखते हैं दूसरी लड़की ना बता रही होती, कह रही थी कि अरे तेरी उस हॉस्पिटल में जान पहचान है ना, तू तो अपने रिश्तेदारों को कॉल लगा पूछ इससे क्या वो किसी लिनी लिनी नाम के बंदे को जानते हैं या फिर नहीं जानती। वो लड़की कह रही थी कि हाँ बात तो सही कर रही है। तभी हम देखते हैं फटाफट फोन निकालती है और कह रही होती कि हेलो आंटी क्या आप बिजी हो क्या। वो कह रही होती है कि नहीं नहीं बिजी नहीं हूँ, बताओ बताओ क्या काम है। वो कह रही होती है कि मेरे को कुछ जानना है, मेरे को लिनी के नाम के बारे में जानना है। वो कह रही होती है क्या लिनी। अब हम देखते हैं भाई आंटी फटाफट उन्हें सारी मतलब डिटेल बता देती है लिनी के बारे में कि लिनी आखिर है कौन, क्या करता था और कैसा था वो। वो बता रही होती है कि वो उसकी जो है मतलब उसकी जो लेवल है ना वो डीन तक के लेवल के आसपास है। अब वो जैसे ये बात बहुत सारी बातें बताती है उसे, वो लड़की सौगड़ हो जाती है, कह रही होती है कि अच्छा, मतलब वो बहुत पावरफुल है क्या, ठीक है मैं समझ गई। अब हम देखते हैं उसने फ़ोन रख दिया होता है, वो बता रही होती है कि पागल वो तो मतलब गॉड से भी ऊपर है यार उसका, मतलब क्या बोलूँ मैं,
अब वो ये सारी बातें अपने आप में बातें कर रहे होते हैं। फिलहाल हमें दिखाई देता है कि ये लोग खाना पीना भी खा रहे होते हैं, और यार इसका खाना देख के ना भाई मेरे मुंह में पानी आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल हम देखते हैं वो आके बैठे होते हैं ये दोनों, और वो कह रही होती है कि यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मतलब इतनी हाई पोजिशन पर हो गए और तुम रिटायर हो गए इतनी जल्दी, वाह व्हाट अ बिग पिक्चर। लिनी कह रहा था कि अरे नीनी तुम तो बहुत काइंड हो रही हो, ऐसी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं लिनी का फ़ोन बज रहा होता है, ये और कोई नहीं, ये यानी यानी कॉल कर रही होती है। अब हम देखते हैं लेनी फ़ोन उठाता है, वो कह रही थी कि भैया लेन देखो आप हो कहाँ पर, देखो मुझे तुमसे कुछ बताना है ठीक है, बाकी मेरा काम वगैरह हो गया है, मैं चाहती हूँ कि आज रात को हम दोनों ना बार पे चलें। अब वो बार पे जाने की बात कर रही होती है, लेनी कह रहा था कि देखो मेरी एक फ्रेंड है जो कि बार पे जाना चाहती है आज रात को फ़न करने के लिए, क्या तुम चलना चाहोगी। अब वो लियो चौहान से पूछ रहा होता है, लियो चौहान कह रही होती है कि हाँ जहाँ तुम्हें जाना है चल लो मेरे साथ, मैं तो फ्री हूँ वैसे भी। अब लियो चौहान ये बात बोल रही होती है, लेनी कह रहा था कि ठीक है फिर। अब हम देखते हैं ये भी हाँ मतलब राज़ी हो जाता है, वो लड़की भी राज़ी हो जाती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे थे कि ठीक है फिर। अब लेनी कॉल पे बता देता है, कह रहा था कि हम लोग डिनर वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा ठीक है जब हम जाना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, रात का हमें सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग एक बार की तरफ आ चुके होते हैं जहाँ पर ना बहुत भीड़ वगैरह आ रखी होती है। अब लियो चौहान कह रही होती है कि आज रात को कुछ होने वाला है क्या, यहाँ पे इतनी खतरनाक खतरनाक गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं। लेनी भी कह रहा होता है कि मेरे को भी नहीं पता कि यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं बता दूँ यहाँ पर ना एक इवेंट होने वाला है जहाँ पे मतलब बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह आने वाले हैं। तभी हम देखते हैं वो यैन कह रही होती है कि भैया लेन मैं यहाँ पर हूँ आ जाओ आ जाओ। अब हम देखते हैं वो भी कह रही होती है कि अरे तुम मतलब डायरेक्टर लिन ली हो ना, लियो चौहान। वो हेलो कर रही होती है, वो भी कह रही होती है कि हेलो हेलो। अब हम देखते हैं यहाँ पे मतलब पार्टी शार्टी हो रही होती है फुल दबा के, तुम लोग भी गाना एंजॉय कर लो, लड़कियों को देख लो, और क्या क्या बोलूँ मैं यार, और किसके आगे। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे पार्टी शार्टी वगैरह सब कुछ चल रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि अरे आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, इतने सारे बंदे क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, मतलब मुझे लगा बहुत कम बंदे होंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे आ गए। तभी हम देखते हैं जो लेनी होता है ना वो दुकान मतलब उसके पास आता है वेटर के पास, वो कह रहा होता है कि मेरे को ना एक सीट बुक करवानी है। वो कह रहा होता है कि नहीं सर आप ऐसे बुक नहीं करा सकते क्योंकि जो सीट है ना वो 2 लाख के रुपए के आसपास है, क्योंकि आज ना एक्टिविटी होने वाली है यहाँ पे, सेलिब्रिटी आने वाले हैं, इसीलिए तो यहाँ का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। लेनी अपना कार्ड दिखाता है गोल्डन गोल्डन कार्ड, कह रहा होता है कि देख मैटर नहीं करता पैसा, तू बस मेरे लिए सीट बुक कर दे फटाफट ठीक है। अब लेनी अपना कार्ड देता है, वो बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है आइए आप इधर आ जाइए। अब हम देखते हैं वो उसे मतलब सीट वगैरह भी दिखा देता है। अब हम देखते हैं लेनी जा रहा होता है, अब वो जाते जाते ना कुछ दो चार दो तीन लोगों को देख रहा होता है, वो दोनों भी देख रहे होते हैं उसे और खुश खुश रहने की कुछ बातें कर रहे होते हैं लिनी के बारे में। अब लिनी जा तो रहा होता है, तभी हमें दिखा देता है कि वो दो तीन लड़कियों को भी देख रहा होता है, वो दोनों लड़कियां भी आपस में बातें कर रही होती है। अब लिनी आके आराम से बैठता है, अब वो सोच रहा होता है कि आखिर माजरा क्या है, ये लोग मेरे को घूर क्यों रहे थे। तभी वो कह रहा होता है कि मेरे को अचानक से याद आया कुछ। अब लिनी ये बात बता रहा होता है यैन से, वो कह रहा होता है कि पता है मैं मतलब अभी यैन सिंह की टेरिटरी घूम रहा था तो मुझे लगता है कि मैं भेड़िए के मुंह में आ गया हूँ। अब लिनी ये बात बोल रहा होता है उससे लड़की से, वो कह रही होती है क्या किसकी भेड़िया किसकी टेरिटरी क्या चल रहा है। अब वो तो अपने खाने में मस्त लगी हुई होती है और लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। लेनी बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं जब आइस मतलब जब मैं आइलैंड गया होता ना तब मैंने वहाँ पर उस इडियट गू को पीट दिया था। अब लेनी ये बात जैसी बताता है वो कह रहा होता है कि मैंने वहाँ पे गू को पीट दिया था, साथ में उसके जो चेले चपाटे थे उन सबको पीट दिया था मैंने अच्छी तरह से। अब मेरे को लगता है कि वहाँ पर ना इसके चमचे वगैरह यहाँ पर आ चुके हैं जो इसके छोटे मोटे चमचे हैं, और इन लोगों ने मेरे को पहचान लिया है ऐसा मेरे को लगता है, बाकी मेरे को पता नहीं। अब लेनी ये सारी बात बता देता है उस लड़की से यहन से, वो कह रही होती है क्या भैया लेन तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने गू को मारा, सच में तुमने गू को मारा। अब गू मतलब थोड़ा नामी बंदा है जो कि तुम लोग को पता ही होगा। फिलहाल हम देखते हैं पीछे से अनाउंसमेंट हो रही होती है, एक्सक्यूज़ मी सब लोग साइड हट जाओ साइड हट जाओ। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पर एक बंदा आ चुका होता है जो कि सेलिब्रिटी होता है, तुम लोग इस बंदे को भली भांति जानते होगे यार, ये और कोई नहीं ये ली है। फिलहाल हम देखते हैं ये यहाँ का कॉन्सर्ट वगैरह करने वाला है। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि ओ वाह ये तो ली चैंग सिंह है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अब हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो सेलिब्रिटी है ना वो और कोई नहीं है, वो ली ही होता है। फिलहाल हम देखते हैं लियो चौहान कह रही होती है कि क्या ये सेलिब्रिटी है, वो कह रही होती है कि हाँ वो सेलिब्रिटी है। अब लिनी कह रहा होता है कि ओ नो आज का दिन तो बहुत बुरा हुआ। अब लिनी भी इस पर्सन को जानता है। फिलहाल वो लड़की पूछ रही होती है, कह रही थी कि भैया लिन क्या तुम इस लियू चैंग चिंग को जानते हो क्या। लिनी भी कह रहा था कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, बल्कि मैंने मैंने इसे भी मारा था। अब लिनी उसकी तरफ इशारा करता हुआ बता रहा होता है। अब जैसी वो उसकी तरफ इशारा करता है ना वो लड़की शॉक्ड हो जाती है जो यहीं यहीं होती है, वो कह रही थी क्या तुमने इसे भी मारा था। अब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है। तभी हमें दिखाई देता है कि जो ली होता है ना वो भी देख लेता है कि लिनी भी यहाँ पर बैठा हुआ है। अब हम देखते हैं वो जैसे ही देखता है कि लिनी भी उसे देख रहा है, अब लिनी भी उसी को देखता है, भाई जरा देखो जरा इन दोनों ये दोनों देख कैसे रहे हैं एक दूसरे को, जैसे एक दूसरे को खा जाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन घबरा जाता है, कह रहा था कि अरे यार मैं आखिर इस पर्सन से यहाँ पे कैसे मिल गया, शिट क्या करूँ मैं, ये हर जगह मिल जाता है। तभी हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर और दूसरा पर्सन भी दिखाई देता है, वो और कोई नहीं टोनी होता है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि आखिर ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है बताओ। अब वो टोनी से पूछ रहा होता है, टोनी ना इसका मतलब सबॉर्डिनेट टाइप का समझ सकते हो तुम, असिस्टेंट। वो कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मे बी हो सकता है वो इस इवेंट में आ गया और रैंडमली ज्वाइन करने के लिए, नेचुरल है नेचुरल फन वगैरह करने के लिए आ जाते हैं इंसान। वो कह रहा होता है कि अच्छा 50 मिलियन जीता ये बस, वो मतलब 50 मिलियन जीतने पे वो ऐसी ऐसी चीज़ें इतनी महंगी महंगी चीज़ें लुटा रहा है,
खैर छोड़ो, ऐसे लोग को तो मेरे को पसंद भी नहीं है। तभी हम देखते हैं जो डीजे वाली लड़की होती है ना, वो कह रही थी कि गाइस देखो हमारे बीच पॉपुलर स्टार लियू चैंग सिंह आ चुके हैं, जो कि हमारे बीच वो गाना गाएंगे, चलो सब लोग इनका वेलकम करो, स्वागत करो, ये वो फलाना ढमकाना बोल रही होती है। और मैं क्या ही बोलूँ यार इसमें। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे जोर शोर से मतलब नारे लग रहे होते हैं, ली चैन सिंह वगैरह वगैरह चल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो स्टेज पर आ चुका होता है, और मतलब आज ना उसी का कॉन्सर्ट होता है। लेनी कह रहा होता है कि अरे वाह ये बंदा थोड़ा पॉपुलर तो निकला, चलो ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो बता रही होती, कह रही थी कि आफ्टर ऑल ये पता है चाइना का पूरा टॉप क्लास सिंगर में से एक है, इसी की वजह से तो यहाँ पे सारी चीज़ें महंगी हो रखी हैं। वो बता रही होती, कह रही थी कि वैसे मैंने सुना है मेरे जो डैड हैं उन्होंने बताया कि आज मतलब जो टेलीविज़न और रेडियो है ना उसका नया रूल लॉन्च हो चुका है, अब इनके ऊपर बहुत सारी मतलब रोक लग जाएंगी। लेनी कह रहा होता है कि रोक लगनी भी चाहिए रोक इन जैसे के ऊपर। अब लेनी भी अपनी तरफ से कुछ बातें बता रहा होता है, कह रहा होता है कि इन जैसे के ऊपर रोक लगनी चाहिए, वैसे मेरे को लगता भी नहीं है कि इनके ऊपर कोई रोक लग पाएगी, खैर बहुत खतरनाक बंदे होते हैं ये, हालांकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा होता है कि चलो ठीक है गाइस आज मैं तुम लोगों के सामने एक गाना गाऊंगा। अब वो गाना वगैरह निकालता है, अपना बैंड वगैरह निकालता है, ढोल ढालक जो भी है मतलब गिटार सिटार जो भी है निकालता है फटाफट, और लो स्टार्ट हो चुका होता है उसका गाना। मतलब फालतू की बातें बोल रहा होता है, वो इतना बेसुरा गा रहा होता है ना, लेनी के कान में मतलब दर्द वगैरह हो चुके होते हैं, वो अपने कान में उंगली डालता है, कह रहा था कि क्या बकवास गा रहा है यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे ये मेरे बिल्कुल लेवल के आसपास भी नहीं है, शिट मैं क्या करूँ इस बंदे का। फिलहाल हम देखते हैं लेनी अपने कान में उंगली डाल देता है, अब वो कह रहा था कि अगर मैं कॉन्सर्ट पे गया तो क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल वो लड़की यैन से चिढ़ाते हुए कह रही होती है कि भैया लेन तुम इतने अच्छे दिखते हो ना कि अगर तुम्हें मतलब तुम गए भी ना तो तुम्हें गाने गाने की कोई जरूरत नहीं है, लड़कियाँ तुम पे वैसे ही मर जाएंगी। अब लेनी कह रहा होता है कि देखो छोटी सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसी लड़की को मतलब इतनी चीप लड़कियों को अफोर्ड तो नहीं कर सकता, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी चीप लड़कियाँ घटिया लड़कियाँ। फिलहाल हम देखते हैं भाई वो जो पर्सन होता है ना ली चैन सिंह, इसके दिमाग में कुछ अलग ही खुरापात चल रहा होता है, जरा इसकी हरकतें देखो, मतलब ये क्या मतलब कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है क्या। फिलहाल हम देखते हैं भाई ये बंदा कुछ अलग ही मतलब प्लानिंग पे होता है। अब हम देखते हैं वो गाना गाते गाते ना अचानक से कह रहा होता है कि गाइस देखो मेरे जो शूज़ है ना वो एक ब्रांडेड शूज़ है ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि तुम में से किसी एक को मेरे ये शूज़ मिले, और क्या तो तुम में से कौन मेरे शूज़ लेना पसंद करेगा, क्या कोई लेना चाहता है या फिर नहीं लेना चाहता। अब वो मतलब अपनी सारी जो ऑडियंस होती है उनसे ये बात पूछ रहा होता है, वो सारी बोल रही होती है कि हाँ हाँ हमें चाहिए फलाना ढमकाना बोल रही होती हैं। अब वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है फिर। फिलहाल हम देखते हैं भाई इसके दिमाग में एक खुरापात आइडिया चल रहा होता है, वो शूज़ निकालता है और लिली की तरफ फेंक के दे मतलब फेंक के मारता है। अब हम देखते हैं भाई जो शूज़ होता है ना वो लिनी की तरफ आ रहा होता है और लिनी की टेबल में आके लगता है, और जैसी टेबल पे लगता है ना हम देखते हैं जो लियू चौहान होती है ना उसके मुंह पे आके खाना भी लग जाता है। अब फिलहाल उसके मुंह पे खाना वाना लग चुका होता है, अब वो कह रहा होता है कि देखो गाइस मेरा शूज़ उस पर्सन के पास गया है, कॉन्ग्रेचुलेसन तुम मेरा शूज़ कलेक्ट कर सकते हो, और क्या एंजॉय करो। अब वो ये बात बोल रहा होता है लिनी को चढ़ाने के लिए, अब लिनी के ऊपर आ चुका होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा क्योंकि भाई शूज़ उसके टेबल पर आके लगा है। अब हम देखते हैं भाई लिनी को जरा गुस्से में देखो मतलब कैसा लग रहा है ये, क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं वो इतना गुस्से में आ चुका होता है ना कि वो जो लड़की होती है डीजे वाली वो कह रही थी कॉन्ग्रेचुलेसन जेंटलमैन देखो आपको एक पेयर शूज़ मिला है जो कि ली चैन सिंह की तरफ से मिला है ठीक है, मुझे लगता है ना कि गेस्ट 6 नंबर पे ना तुम लोग जरा मतलब फ्रूट्स की जो प्लेट्स है ना वो लगा दो ठीक है, उनको थोड़ा गुस्सा ठंडा कर दो यार, मतलब बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, जल्दी करो जल्दी जल्दी फटाफट। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है तुम क्या कर रहे हो पागल हो क्या, वो जगह पता है एक रिच इंसान ने मतलब ले रखी है 2 2 लाख की लिए, पता है तुम्हें, तुम उससे मतलब बहस करवा रहे हो क्या करना चाह रहे हो तुम। वो कह रहा होता है कि अरे पागल वो एक ऑर्डिनरी एंकर मैन है बस और कुछ भी नहीं, उसे जरा जरा से पैसे मिले वो अमीर अमीरगिरी दिखा रहा है, वो बस प्रिटेंड कर रहा है वो अमीर है नहीं। वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं जो यैन होते हैं ना वो कह रही होती है कि भैया यैन मुझे जो लगता है ना कि ये बंदा ना हमसे पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। अब लिनी भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ लेकिन वैसे तुम ठीक हो ना, अब वो लियू चौहान से पूछ रहा होता है, वो कह रही होती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो ये बंदा आज जिंदा तो जाएगा नहीं। अब लिनी भी गुस्से में आ चुका होता है, तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है तो गाइस देखो सॉन्ग ओवर हो चुका है, अब हमारी बारी है मतलब कुछ नया करने की ठीक है, तुम लोग बैट लगाओ आखिर कौन सा गाना गवाना चाहती हो। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पे बैट वगैरह लग रही होती है मतलब बोली वगैरह लग रही होती है कि 1 लाख 1.5 लाख वाला फलाना ढमकाना चल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लड़कियाँ बोली बढ़ाई जा रही होती है 1,60,000 तक की पहुँच चुकी होती है। तभी हम देखते हैं लेनी खड़ा होता है और कह रहा था कि 5 मिलियन। अब लेनी सीधा 5 मिलियन बता देता है, मतलब ऐसा है कि जो मतलब जो बोली बोलवाएगा वो कुछ भी करवा सकता है इस पर्सन से। फिलहाल हम देखते हैं जैसे 5 मिलियन बोलता है ना वो बंदा खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि क्या 5 मिलियन, ओ माई गॉड मेरे को कम से कम 30 मिलियन मिले थे जब मैं आइसलैंड में गया था ठीक है, वहाँ पे मैंने कुछ खास जीता भी नहीं और टैक्स वगैरह कट के बहुत कम पैसे मिले, 5 मिलियन मिले तो काफ़ी अच्छी बात है। वो भी कह रही होती है कि तो गाइस जो गेस्ट है ना प्लेयर टेबल नंबर 6 के वो 5 मिलियन देने वाले हैं, क्या इसके आगे कोई बढ़ना चाहेगा, वे 1 2 3 नहीं बढ़ना चाहता ठीक है। फिर
अब हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि ठीक है तो तुम क्या मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो। अब वो यान से फेवर मांगने की बात कर रहा होता है, वो कह रही होती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो जो बिडिंग सेशन है वो ओवर हो चुका है और जो टेबल नंबर 6 के वाले जो गेस्ट हैं उनको मिल चुकी है रिक्वेस्ट, तो आप कोई सा भी इनका अच्छा सा गाना चूज़ करवा सकते हैं इनके लिए। लिनी कह रहा होता है कि देखो मेरे को गाना वाना चूज़ करवाना नहीं है, गाने में मैं बहुत अनकम्फर्टेबल चीज़ होता हूँ, ठीक है मेरे पास कुछ और तरीका है इनके लिए। अब लिनी ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे पास कुछ और तरीका है। वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई, वो पर्सन हैरान हो जाता है, वो समझ चुका होता है कि भाई ये अब तो मैं गया यहाँ से यहाँ पे। लिनी कह रहा होता है कि देखो जब तक तुम ये वाइन नहीं पी लेते ठीक है तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब वो पूरी पूरी वाइन की मतलब एक बाल्टी लेकर आ चुका होता है। अब जो यैन होती है वो भी लेके आ चुकी होती है, कह रही थी कि देखो मैंने अपने जूते वगैरह धो दिए हैं और पैर भी धो लिए हैं ठीक है, अब मेरे को नहीं लगता कि हम इससे और भी ज़्यादा मज़े ले सकते हैं, बाकी ठीक है। अब वो लड़की क्या पूछ रही होती, कह रही थी कि तुम पागल हो गए हो, तुम ये क्या करवाना चाह रहे हो, देखो मुझे लगता है कि तुम्हें ना ये चेंज कर देना चाहिए ठीक है, अगर तुम्हें मतलब बुरा लग रहा है तो फिर तुम मतलब उनके साथ टोस्ट वगैरह करवा सकते हो ताकि वो माफ़ी वगैरह मांग ले। लेकिन हम देखते हैं लेनी साफ साफ मना कर देता, कह रहा होता है कि नहीं 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 मैं चाहता हूँ कि ये पूरी पूरी बाल्टी ना बाल्टी का जो वाइन है वो पिए, ऑलरेडी मेरा वाइन रेडी है, अब बस उन्हें पिलवाने की दिक्कत है ठीक है। अब हम देखते हैं जो टोनी होता है वो चिल्ला रहा होता है, कह रहा था कि मैं तुझे बता रहा हूँ तू बहुत आगे जा रहा है ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अब वो लिनी की तरफ देख के बता रहा होता है, लिनी कह रहा होता है ये तू भूल गया क्या लास्ट टाइम मैंने तेरे साथ क्या किया था, बेटा अगर तूने एक कदम और आगे बढ़ाया है ना मैं तेरे को जान से मार दूंगा। अब लिनी जैसे ये बात बोलता है ना वो बंदा हैरान हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की बीच में आती है, कह रही थी कि सर सर वेट अ मिनट रुको रुको एक बार मैं अपने बॉस से ज़रा डिस्कस करके आ जाती हूँ कि आप ये सारी हरकतें करने वाले हो। फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो लड़की आती है सर खुजाती हुई और उसकी तरफ देखती है। अब ली भी पूछ रहा होता है कि आखिर माजरा क्या है, वो बता रही होती है कि देखो तुम्हें ये करना ही होगा नहीं तो तुम गए समझे। अब वो उसे कुछ बताती है खुसर खुसर करके, वो कह रहा होता है कि क्या मैं नहीं करने वाला ये सब चीज़ें, छोड़ो मैं अपने बॉस को कॉल लगा रहा हूँ और कुछ भी नहीं मैं कुछ नहीं करने वाला ये। तभी हम देखते हैं वो लड़की बता रही होती, कह रही थी कि देखो अगर तुम्हें अपने बॉस को भी कॉल लगाना है तो लगा लो, मैं तुम्हें लेकिन बता दूं हमारे जो बॉस है ना वो तुम्हारे बॉस के ही बॉस हैं, तुम्हारे बॉस आ भी जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकती ना वो तुम्हें बचा सकते, अब तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। वो लड़का हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि ठीक है अरे भैया तुम इतना पर नाराज क्यों लग रहे हो, देखो मैं तुम्हारी टेबल के लिए पेमेंट कर देता हूँ ना। लेकिन हम देखते हैं लेने कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को पैसे की कमी है पता मेरे को। अब वो पर्सन हैरान हो जाता है बहुत ज़्यादा। तभी हम देखते हैं वो टोनी की तरफ देखता है, टोनी भी कह रहा होता है कि भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता, तूने ही अपनी मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। तभी हम देखते हैं एक वेटर आता है फटाफट बाल्टी लेकर आ चुका होता है उसके पास। अब हम देखते हैं वेटर वो गिलास भी दे रहा होता है उसे सर्व कर रहा होता है। अब हम देखते हैं गिलास भी पकड़ा देता है, अब बेचारा करे तो करे क्या इसे पीना ही पड़ेगा। फिलहाल हम देखते हैं वो मतलब उस पूरी पूरी वाइन को पीने की कोशिश करने लगता है एक एक करके। अब भाई इस वाइन के अंदर ना मतलब पैरों की धूल मिट्टी जूता वगैरह सब कुछ धो रखा है। फिलहाल मैं बता दूं वो बंदा पीते पीते कह रहा होता है कि आज से पहले मेरी ज़िंदगी में कभी भी इतना बुरा सफ़र मैंने नहीं किया, मेरा पूरा फेस मेरा पूरा चेहरा चला गया यार क्या करूँ मेरी सारी इज्जत चली गई। अब सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते, कह रहे थे कि वाह कितना मज़ा आया फलाना ढमकाना जो भी है ये सब चल रहा होता है। अब उस बंदे की तो भाई इज्जत की धज्जियाँ उड़ चुकी होती हैं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी आता है, कह रहा था कि देखो मुझे लगता है ना कि अब यहाँ पर और भी कोई मज़े वगैरह नहीं हो पाएंगे तो फटाफट वाइन पीते हैं चलते हैं यहाँ से ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो वाइन पीने की बात कर रहा होता है, वो लड़की कह रही थी कि हाँ ठीक है ऑल राइट टाइम भी हो चुका है चलो चलते हैं। अब जो यहन होती है वो भी यही बात बोल रही होती है। अब हम देखते हैं ये तीनों जा रहे होते हैं और क्या वो जा रहे हैं बस। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये लोग ना सेकंड फ्लोर पे एक एरिया का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं गु वगैरह और जो जामो हैं वो भी बैठे हुए होते हैं। वो कह रहा होता है कि पिंग देखो तुम्हारा लास्ट डे है तो चलो आज तुम्हारे लिए मैं फिर से टोस्ट कर लेता हूँ क्योंकि तुम कल चले जाओगे ना। अब वो बंदा कह रहा होता है कि भाई मैं जिंदा रहने वाला हूँ ठीक है, टेंशन ना ले कल ही तो है ट्राई आउट और वैसे भी मैं मरने वाला नहीं हूँ भाई मैं जिंदा रहूँगा और हम मिलते रहेंगे यार ऐसी कोई बात नहीं है। वो बंदा भी कह रहा था कि हाँ मेरे को पता है, वैसे तुम जहाँ जा रहे हो क्या वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है क्या, मतलब बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस प्लेस है क्या ऐसा मेरे को लग रहा है। तभी हम देखते हैं जो गु होता है वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे मैं बता दूं मैं ऐसा गैस कर सकता हूँ अगर मैं सही हूँ तो क्या वो तुम ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलके जा रहे हो है ना। अब वो उसे पूछ रहा होता है, वो बंदा कह रहा होता है कि वैसे मेरे को इतना खास पता नहीं है लेकिन फिर भी हाँ हो सकता है कि वो ट्राई आउट के बारे में ही हो बाकी पता नहीं। अब ये मैं बता दूं ये पर्सन भी ना वहीं जा रहा है जहाँ पे लेनी भी जाने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर तुम अपने फोकस पे ध्यान दो ठीक है, अपनी मतलब जो भी है प्रैक्टिस वगैरह करते रहो और डेवलप करते रहो अपने आप को। तभी हम देखते हैं एक पर्सन भागता भागता आता है, कह रहा होता है कि भैया माओ देखो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वो जो पर्सन था ना लिनी वो यहीं पे आया हुआ है। वो कह रहा होता है क्या वो पर्सन यहाँ पर आया हुआ है सच में। अब हम देखते हैं जो पैंग होता है ना वो कह रहा था कि शांत हो जाओ सारे के सारे चल क्या रहा है आखिर तुम लोग इतना चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हो बताओ। अभी पर्सन थोड़ा उछलता हुआ बात कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो जो जाओमो होता है वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वो जो पर्सन था ना वो जो लड़का था चेंगहाई से आया हुआ था वो बंदा आज यहीं पे आया हुआ है।
तो आज हम लोग उसे सबक सिखाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं वो पर्सन अपनी गिलास को नीचे रखता है और कह रहा होता है कि अच्छा मेरे रहते हुए तुम लोग सबक सिखाओगे, मैं भी देखता हूँ साले की आखिर इतनी हिम्मत कैसे है, इसकी 6 हाथ 3 सिर, मैं बताता हूँ उसे। अब हम देखते हैं थोड़ा गुस्से में आ चुका होता है, तभी हम देखते हैं लेनी बाहर आ जाता है। वो कह रहा होता है कि यार अंदर इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था, बाहर कितना अच्छा लग रहा है मेरे को। अब हम देखते हैं लेनी बाहर आके अंगड़ाई वगैरह ले ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो नोटिस करता है कि 3 4 बंदे आ चुके होते हैं उसके पास में। लेनी सोच रहा होता है कि भाई ये बंदे अचानक से कहाँ से आ गए अंधेरे में से निकल के। फिलहाल हम देखते 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 ना हमें बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं, 20 से 30 बंदे, साथ में डंडे वगैरह लेके भी आ चुके होते हैं। अब ये और कोई नहीं, गु होता है और जामो होते हैं। वो कह रहा गु कह रहा होता है सॉरी जामो कह रहा होता है कि तो बड़े लंबे समय के बाद मिले हो तुम हमसे, है ना। लेनी कह रहा होता है कि हाँ वैसे तुम भूल गए क्या, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारा था, भूल गए क्या या फिर दोबारा याद दिलाऊं, है जो आईलैंड के साथ में हुआ था, हाँ भूल गए क्या शायद। तभी हम देखते हैं जामो कह रहा होता है कि देख मैं तुझे बता रहा हूँ, आज तू अगर तू नहीं मरेगा ना तो तेरे और मेरे बीच के रिलेशन ठीक होंगे नहीं। अब वो ये बात बोल रहा होता, तभी हम देखते हैं जो यहन होती है ना वो चिल्ला के बोलती है, कह रही होती है आखिर तुम क्या बोल रहे हो जामाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम बहुत आगे जा रहे हो। अब ये लड़की मतलब इसकी फैमिली थोड़ी बड़ी है इसीलिए ऐसे बोल पा रही है। तभी हम देखते हैं जामा कह रहा होता है कि यहन यहन देखो ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम इससे दूर रहो समझे। अब हम देखते हैं गोभी बीच में आ चुका होता है। अब वो पर्सन बीच में आता है जो पैंग होता है, वो कह रहा होता है कि देखो इस पर्सन ने मेरे दोनों भाइयों को मारा है, मैं आज छोड़ूंगा नहीं इसे। अब वो लड़की गुस्से में आ चुकी होती है, कह रही थी तू बकवास करना बंद कर, आके तुझे बता भी है तू है कौन और मैं कौन हूँ, मैं बता रही हूँ तेरे को, तेरे मुंह पे एक ऐसा मारूंगी ना साले मर जाएगा, चला जाए यहाँ से, विश्वास कर या मत कर मैं तेरे मुंह पे पर्स फेंक के मारूंगी। अब वो ये बात बोल रही होती है, फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं जामा बोलने लगता है कि पिंग पिंग सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ना पीछे आ जाना चाहिए क्योंकि इस तुम्हारी फैमिली ना इसकी फैमिली को ऑफेंड नहीं कर पाएगी, मतलब अफोर्ड नहीं कर पाएगी अगर तुमने इसे ऑफेंड कर दिया तो। अब वो कुछ ये बात बोलता है, फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा कहने लगता है कि देखो इसमें ना तुम्हारा मैटर नहीं है ठीक है, तुम साइड हो जाओ, मेरे को लिनी से बात करनी है ओके। अब लिनी भी उसे समझा रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम ना ली चौहान को साइड में ले जाओ ठीक है, मैं मेरे को कुछ नहीं होगा, टेंशन चिंता मत करो ठीक है, मैं इन लोगों के साथ डील करके आता हूँ। अब वो ओके बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं वो जाते जाते कह रही होती है कि देखो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया जो मेरे को बोलना चाहिए था ठीक है, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ, अगर कुछ भी होता है तो घर पे जाके अपने किसी बड़े पेरेंट्स को मत लेकर आना, समझ में मेरी बात, खुद का हिसाब खुद के पास रखना, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी या फिर तुम्हारे घर वाले कोई कुछ नहीं करने वाले हैं अगर कुछ भी होता है तुम्हारे साथ तो। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन घबरा जाता है जो जामा होता है, वो कह रहा होता है कि ठीक है ऑल राइट हम लोग अपना ख्याल रख लेंगे, आज ये मैटर यहीं सॉर्ट आउट होगा। अब हम देखते हैं भाई सारे सारे बंदे आ चुके होते हैं, लौंडे लपाड़े जो भी होते हैं लेनी को घेर लेते हैं। फिलहाल हम देखते हैं दोनों लड़कियां पीछे खड़ी हो चुकी होती हैं। अब ये बंदा उछलता हुआ कह रहा होता है कि तेरी भैंस की टांग, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे दोनों लौंडों को हाथ लगाया, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं लेनी ना बीच में इशारे करता हुआ कह रहा होता है जामो की तरफ, कह रहा होता है कि देख बेटा पहले ना जामो भी ऐसा कुछ बोलता था, अब ये शांत हो गया है। अब हम देखते हैं वो बंदा देखता है, कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे दोस्त की ऐसी बेइज्जती करेगा। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा पता नहीं क्यों स्पाइडरमैन बनना था या फिर ये सुपरमैन बनना था, कुछ तो बन रहा था। फिलहाल हम देखते हैं मुक्का मारने की तरफ लेनी की तरफ आगे बढ़ जाता है, अभी मुक्का मारता हुआ लेनी की तरफ आगे आ रहा होता है। अब लेनी इसे देख लेता है, कह रहा होता है कि ओहो अच्छा बेटा तो तू ये मार्शल आर्ट सीख कर आया है। अब इस मार्शल आर्ट्स का पता है नाम होता है डैंग टियान, पता नहीं होगा कुछ। अब हम देखते हैं लेनी देखता है उसे, कह रहा होता है कि अच्छा बेटे तो तू काफ़ी अच्छे स्किल वाला बंदा है। लेकिन हम देखते हैं लेनी आराम से एक हाथ से रोक लेता है उसे और एक टांग आगे निकालता है और ले भैया। अभी हम देखते हैं उसके टांग मतलब पेट में देके मारता है। अब जैसे ही पेट में देके मारता है ना अपनी टांग, वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। फिलहाल हम देखते हैं बंदा बहुत दूर जाके साइड में गिर जाता है। अब लेनी भी बस उसे खड़े होकर देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अब बता। अब हम देखते हैं उसके दोनों साथी आ जाते हैं, जो जाओमा है और जो गुए हैं, वो दोनों आ जाते हैं। वो कह रहा होता है कि ब्रदर पेंग ठीक हो ना तुम, कह रहा होता है कि छोड़ छोड़ मेरे को, आज मैं इसे मारूंगा साले को, बहुत मारूंगा, तू मेरे को छोड़ छोड़ मेरे को, पकड़ मत। लिनी कह रहा होता है कि भाई तुझे पकड़ा किसने है, तुझे रोक कौन रहा है, आना तो मेरे पास लड़ने के लिए। अब लिनी भी कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है, कह रहा होता है कि तू आ मेरे को मारने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं वो जो पिंग होता है वो बंदा भागता हुआ फिर से आ रहा होता है लिनी की तरफ। अब वो जैसे लिनी की तरफ आता है ना हम देखते हैं लिनी नीचे झुकता है और फटाक से फिर से एक लात दे के मारता है उसके पैर में। अब जैसे लात दे के मारता है ना भाई हम देखते हैं वो पर्सन फिर से नीचे जाके गिर चुका होता है और वो बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है। वो चिल्ला रहा होता है मम्मे बहुत तेल लग गए मेरे, बहुत बुरा मारा है, अब वो रो रहा है फलाने का ना जो भी है। फिलहाल हम देखते हैं गू सोच रहा होता है कि आखिर ये ऐसा पॉसिबल कैसे है यार, ये बंदा तो बहुत खतरनाक था। अब हम देखते हैं भाई वो जो लड़की होती है ना यानी यानी वो भी खुश हो रही होती है, कह रही थी कि भैया लेन तुम तो बहुत कूल हो ये। लेनी भी कह रहा होता है कि यार मुझे लगा था कि तू मतलब इन दोनों का बदला लेगा, बट तू तो खुद ही जमीन पर पड़ा हुआ है, क्या मामला है ये बता मेरे को। अब लेनी भी उससे कन्फ्यूज़ हो रहा होता है। फिलहाल वो बंदा कह रहा होता है कि तू वेट कर मेरा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
मैं तेरे को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा। लिनी भी कह रहा होता है कि भाई तू नीचे पड़ा हुआ है, खैर छोड़। तेरे को बोलने से पहले मैं तेरे को कंक्लूजन बता देता हूँ, ठीक है? अब हम देखते हैं। लिनी कह रहा होता है कि तू फाइट में पहले ही हार चुका है और तू मान भी नहीं रहा। आखिर कहाँ से मार्शल आर्ट सीख कर आया है? तेरे अंदर कोई गुण भी है मार्शल आर्ट्स के? अब हम देखते हैं। लिनी उसे लात दे के मारता है, वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। फिलहाल हम देखते हैं जाओमा और जो गु होते हैं वो दोनों देख रहे होते हैं। जामो कह रहा होता है कि भाई तुम लोग खड़े होके कर क्या रहे हो, मारो साले को। अब भाई वो अपने सारे लॉन्डो को ऑर्डर देता है मारने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं सारे सारे लॉन्डे आ चुके होते हैं लिनी की तरफ मारने के लिए। अब लिनी भी देखता है ऐसे, कह रहा था कि अच्छा तो सारे सारे मिलके मारने वाले हैं, ठीक है? फिर फिलहाल हम देखते हैं लिनी अपनी हाथ की उंगलियां पुटकाता है और बस एक लात दे के मारता है एक बंदे की तरफ। अब हम देखते हैं वो जैसे एक बंदे की लात मारता है ना, वो एक बंदा तीन चार बंदे के साथ में आगे गिरते हैं। अब वो सारे सारे दूर जाके गिर चुके होते हैं। अब लिनी भी उनकी तरफ देखता है। फिलहाल वो पीछे देखता है कि जो गु होता है ना, वो एक बंदे को इशारे कर रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई तू उसे डंडे से मार, ठीक है? लिनी समझ चुका होता है कि मेरे को डंडे से मारने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं डंडे से मारने से पहले ना लिनी फटाफट उठता है और मतलब उस के मुंह पर लात दे के मारता है। अब हम देखते हैं वो गू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है लात मारने के लिए। अब गू भी देखता है, कह रहा होता है कि ओ नो, अब मैं क्या करूँ? बेचारा जल्दी से नीचे भाग गया, फिर कहीं छुप, मतलब कुछ तो कर, खड़ा है बस, खड़े होकर देख रहा है। फिलहाल हम देखते हैं लिनी आगे की तरफ आता है और एक चेस्ट पर लात दे के मारता है उसके। अब भाई के मुँह से खून वगैरह निकलता है, लेकिन हम देखते हैं भाई जो हमारा भाई होता है ना गू, वो कार में जाके गिरता है सीधा। अब भाई इसकी तो कल्याण हो गई है, इनकी हड्डियाँ पसलियाँ चटक चुकी हैं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि देखो सब कुछ सेटल हो चुका है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? थक गया यार, बहुत फाइट कर ली मैंने। अब हम देखते हैं ये दोनों जब तीनों जाने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो यनियन होते हैं ना, वो कह रही थी गाइस तुम लोग जाओ, मेरे को इन लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाना है। यार एक बंदा तो होना चाहिए हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए। फिलहाल लेनी कह रहा था कि ठीक है फिर हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय टाटा। अब जो लियो चौहान होते हैं वो भी टाटा करती हुई जा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं जो यनियन होती है ना, वो फटाफट कॉल निकालती है, फ़ोन निकालती है, वो फटाफट ना लियांग को कॉल मार देती है। अब वो फ़ोन मार देती है लियांग को, कह रही थी कि बहन देख यहाँ पर ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है? अब तुम जल्दी फटाफट आ जाओ। अब हम देखते हैं उसने सारी लियांग को कॉल बता दी होती है, मतलब कॉल पे करके। फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं पूरी पूरी फैमिली आ चुकी होती है इन सारे बच्चों की। मतलब इतने सारे बंदे आ चुके होते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। फिलहाल हम देखते हैं दो तीन नर्स बातें कर रही होती है, कह रही होती है कि भाई ये हॉस्पिटल है, इतने सारे बंदे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अब दूसरी नर्स कह रही होती है कि हाँ यार हॉस्पिटल के रूल्स के अकॉर्डिंग इतने सारे लोग यहाँ पर नहीं होने चाहिए। हाँ मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे बंदे क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तभी तीसरी नर्स आती है, वो कह रही होती है कि खैर छोड़ो छोड़ो, जो भी हो रहा है होने दो, वैसे मैंने एक बंदे का रिपोर्ट देख लिया है, उसे मैंने ICU में भेज दिया, उसकी कंडीशन बहुत बेकार है। अब हम देखते हैं सब लोगों ने उस लड़की की तरफ वेट कर रहे थे, तभी हम देखते हैं वो आ चुकी होती है। वो कह रहे थे कि तो बताओ तुमने हम सबको यहाँ पे क्यों बताया? हाँ जो तुमने देखा वो सब बताओ हमें। अब वो बता रही होती, कह रही थी कि इनफैक्ट मैं तुम लोग को भी बताने वाली थी, पता है ये सारे लोग ना जितने भी हैं सारे ब्रदर लिन भैया लिन को मारने के लिए आए थे, ठीक है? और मैंने इन लोगों के ऊपर चिल्लाया, इन लोगों को रोका, और इन लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी। फिर क्या, भैया लिन ने इन सबको धो दिया अच्छे तरीके से, अब मैं क्या करूँ इसमें? उनके पास और कोई चारा नहीं था, ये लोग भैया लिन को मार रहे थे। अब वो जैसी बात बोलती है वो बंदा बोल रहा होता है क्या लिन, जहाँ तक मैं जानता हूँ लिन ही मतलब वो बिजनेसमैन है ना, ठीक है? फिर हम लोग खुद से उससे डील कर लेंगे, इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है? अब ये पर्सन बता बात बात कर रहा होता है, तभी दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि हाँ एक एंटरप्रेन्योर है, मैं उससे बात कर लूँगा, ठीक है? तुम चिंता मत करो, मैं उसे एक बार कॉल लगा लेता हूँ, वो आज अरेस्ट होगा। अब हम देखते हैं वो कह रही होती, कह रही रुको रुको जरा, तुम अपने लॉन्डो को उठने तो दो, उनसे तो पूछ लो आखिर हुआ क्या था, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? फिलहाल हम देखते हैं वो दोनों बोल रहे होते हैं कि देखो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जल्दी है तो है, हम नहीं चाहते, हम वेट नहीं करना चाहते, हम फटाफट जाएंगे उसे डायरेक्टली जान से मार के आएंगे। तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आ रही होती है कि आखिर तुम होते कौन हो ये सब करने वाले? अब ये और कोई नहीं बल्कि ये लियांग होती है। अब हम देखते हैं भाई लियांग की एंट्री बिल्कुल दमदार तरीके से हो रही होती है, उसके पेरेंट्स भी आए होते हैं, मतलब मॉम डैड दोनों। अब हम देखते हैं वो लड़की एक बीच में आती है, कह रही थी कि सिस्टर सैन आप भी यहाँ पर आ गई हो। अब हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हाँ मैं आ तो गई हूँ, वैसे मैं तुम लोग को कुछ बताने के लिए आई हूँ। देखो वो जो मैटर है ना लिनी, वो जो लड़का है लिनी, उससे डील कर पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है? तो तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओ पहले। अब ये बात बोल रही होती, तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वैसे मैं बता दूँ हमारे जो बच्चे हैं ना उनकी लाइफ बहुत खतरे में है, उनकी हड्डियाँ टूट चुकी हैं, एक बंदा तो ICU में मतलब भर्ती है, उसकी कंडीशन बहुत बेकार है। तभी दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि मिस्टर सैन क्या तुम लिनी के क्लोज हो, कहीं तुम उसका सारा ब्लेम अपने ऊपर तो नहीं लेने वाले, बताओ मेरे को। अब ये पर्सन थोड़ा ऐड के बोल रहा होता है, वो बंदा बोल रहा होता है कि देखो हमारी फैमिली और जो लिनी है ना उनके बीच में थोड़ा जो कनेक्शन है वो थोड़ा अच्छा खासा है, ठीक है? और मैंने सुना जो मेरी बेटी ने मेरे को बताया, ठीक है? तो उसके लिए मुझे लगता नहीं कि लिनी रिस्पॉन्सिबल होगा। वो बंदा कह रहा होता है कि मेरे को कोई नहीं पता, मैं आज उसकी लाइफ छोड़ने वाला नहीं हूँ, और मेरे को नहीं पता कि आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है या फिर नहीं है। पता है तुम्हें सैकड़े लोग मारे गए हैं, इतने सारे लोग मारे गए हैं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, बताओ मेरे को। तभी एक नर्स आती है, वो कह रही थी कि यहाँ पे मिस्टर हैन और रैंगपिंग फैमिली से कौन है, बताओ मेरे को। अब एक नर्स ना हैन से पूछ रही होती है, वो बंदा आता है कह रहा था कि मैं हूँ, बताओ।
वो बता रही होती है, कह रही थी कि तुम्हारे बेटे की कंडीशन ना बहुत बेकार है, हम लोगों ने उसे रिपेयर वगैरह तो कर दिया जैसे तैसे करके, लेकिन हाँ वो 6 महीने तक खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। वो बंदा चिल्ला रहा होता है, क्या क्या 6 महीने तक, कल उसे ट्रायआउट के लिए जाना था और मैं आज उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं, आज मैं उसे जान से मार दूंगा, आज मैंने उसे नहीं मारा ना तो मेरा लास्ट नाम है नहीं। अभी बंदा बहुत गुस्से में आ चुका होता है क्योंकि इसका लड़का 6 महीने तक भाई वेंटिलेटर पे बैठे रहने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं, अंकल सैन उसे रोक लेते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो गुस्सा मत करो, ठीक है। वो कह रहे होते हैं, क्या गुस्सा ना करूँ, मेरे मेरे बच्चे का भविष्य उसने बिगाड़ कर दिया, मैं गुस्सा ना करूँ, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। अब वो फलाने ढमकाना गुस्सा कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते तभी एक लड़की बीच में आती है। अब ये कौन है, कहाँ से आई है मुझे नहीं पता। वो कह रही थी, देखो सब लोग शांत हो जाओ प्लीज़, देखो हम लोग इसी बारे में बात करने के लिए आए हैं। फिलहाल ये लड़की आती है, अब ये मास्क वगैरह पहन के आ चुकी होती है, हाथ में पर्स वगैरह होता है, मुझे नहीं पता भाई ये लड़की है कौन। तभी हम देखते हैं ये बंदा पूछ रहा होता है या कह रहा होता है कि आखिर तू है कौन है जो हम सबके बीच में बोल रही है। अब हम देखते हैं भाई ये लड़की अपना मास्क उतारती है और कह रही होती है कि तो 20 साल के बाद हम मिलने हैं फिर से, और वैसे भी तुम्हारा गुस्सा ना पहले के जैसा ही है ना। अब वो ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि हैन फैमिली बताओ तुम्हारा गुस्सा पहले के जैसा ही है मिस्टर हैन। अब वो जैसे ये बात बोलती है वो बंदा कह रहा था क्या सिस्टर यू तुम यहाँ पर। अब ये बंदा थोड़ा घबराने लगता है, अब ये सिस्टर यू होती है। तभी हम देखते हैं जो सैन होती है ना, वो कह रही थी, कह रही तुम यहाँ पे कैसे। अब वो भी उसे मतलब हक करने के लिए आ चुकी होती है। अब हम देखते हैं लियांग अपने डैड से पूछ रही होती है कि आखिर ये लड़की कौन है, मतलब ये आंटी है कौन और ये क्या मेरी मम्मी से इतनी क्लोज है क्या। वो बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि इनका नाम ना क्यू इन क्यू है, ठीक है, और ये दोनों 20 साल पहले मिले थे और उसके बाद ही अब जाके मिल रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं अंकल ये बात बोलते बोलते ना एक बात और बता रहे होते हैं, कह रहे थे कि देखो और ये ना और कोई नहीं ये लेने की रियल मदर भी है। अब अंकल ये बात बोल देते हैं, जैसे ही बोलते हैं ना लियांग हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या लिनी की मम्मी है ये सच में। अब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है, खैर शॉक्ड तो मैं भी हूँ क्योंकि भाई लिनी की मम्मी यहाँ पर। फिलहाल हम देखते हैं उसने आंटी ने हक कर लिया होता है आंटी को, वो आंटी कह रही होती है कि देखो रुको रुको अभी और भी काम करना बाकी है, देखो मैं यहाँ पर ना मेनली इसी काम के लिए आई हूँ, मेरे को लिनी के बारे में ही बात करनी थी, समझ में आई मेरी बात। देखो मैं बता दूँ वो मेरा लड़का है, ठीक है, और जो उसने किया है उसके लिए मैं तुम सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि तुम में से कोई भी उसे दिल पे ना लेगा, ठीक है। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना, हम देखते हैं बंदा बोल रहा होता है कि तुम हो कौन है और तुम्हें क्या लगता है कि जाके एक बार वार्ड में देख कर आओ, उन्हें कितने सारे बच्चों को मारा है, कितने सारे बच्चों की हड्डियाँ तोड़ी हैं, तुम्हें क्या लगता है कि एक बड़ी फैमिली से होकर और तुम मतलब ऐसे कर दोगी और हम लोगों को रेस्ट इन पीस में भेज दोगी, बताओ कैसे। तभी हम देखते हैं जो लिनी की मम्मी होती है ना, वो कहने लगती है कि मैं केनिंग क्यू द केन है, जो केन फैमिली है उसकी डिक्लाइन, और मैं तुम्हें बता दूँ जो लिनी है ना उसके फादर अभी जिंदा है, ठीक है, और अगर उन्हें पता चल गया फिर तुम में से कोई बचने वाला नहीं है। अब वो बंदा बोल रहा होता है कि हाँ तो बुला लो उन्हीं उन्हीं को बुलाओ ना, हमें तुमसे क्या बात करनी है, हमें उनसे बात करनी है। अभी बंदा थोड़ा रूटली बात कर रहा होता है, वो कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर देखो तुम्हें ऐसे सच में ऐसा लगता है तो ठीक है फिर मैं जा रही हूँ लिन जिंग हैन को बुलाने के लिए, और अब मेरे को लगता है कि वही इस मैटर में तुमसे बात करने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसी आंटी ये बात बोलती है ना भाई, सबके सबके लोग जो बंदे होते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं, कह रहे थे क्या लिन जिंग हैन आने वाले हैं, ओ नो। अब भाई मेरे को नहीं पता भाई, ये मुझे लगता है ये बंदा ना बहुत बड़ी हस्ती होगा इसलिए भाई इसके नाम सुनते सब लोग हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। वो बंदा कह रहा था कि सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर देना, हम लोग खुद से ख्याल रख लेंगे, ठीक है हम जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं वो आंटी कह रही होती है कि देखो ये जो बात है ना सारी सीक्रेट होनी चाहिए, आज जो भी है सब कुछ सीक्रेट रखना, ठीक है, नहीं तो मैं बता रही हूँ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं वापस आ चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि किसी को भी ये बात पता चले कि मैं वापस आ चुकी हूँ, ठीक है। अब वो ये बात बोल के जाने लगती हैं। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग उसी को जाते हुए देख रहे होते हैं, और थोड़ी देर के बाद ना हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं वो जो आंटी होती है ना वो चुपचाप जा रही होती है यहाँ से। तभी हम देखते हैं आंटी सैंग आती है, वो कह रही होती है कि हेलो सिस्टर क्यू, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, देखो मुझे लगता है कि हमें चल के कहीं बातचीत कर लेनी चाहिए, ठीक है, मेरे पास ना मेरे पेट में बहुत सारी बातें हैं जो कि तुम्हें बतानी है या तुमसे बात करनी है। वो कह रही थी कि ओके चलो ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं जो आंटी सैन होती है ना, वो कह रही थी कि जाओ तुम मतलब चले जाओ, ठीक है घर चले जाना और लियांग को मेरे पास छोड़ जाना। अंकल कह रहे थे क्या लियांग को तुम्हारे साथ, वो बताने लगती है, कह रही थी कि हाँ और नहीं तो क्या, कोई होना चाहिए ना जो चाय वगैरह सर्व करे, मतलब चाय वगैरह दे हमें और क्या। अब वो जैसे ये बात बोलते हैं ना लियांग सोच रही होती है क्या मैं चाय सर्व करूँगी, मतलब अब बेचारी इसकी सोचे तो सोचे क्या, सोच रही होगी क्या मैं चाय सर्व करूंगी, क्या मेरे को नौकर बना रखा है, खैर कोई बात नहीं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें ना रेस्टोरेंट का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं लियांग चुपचाप चाय लेकर आ चुकी होती है। अब हम देखते हैं वो चाय वगैरह सर्व कर रही होती है, अब हम देखते हैं वो आंटी को चाय वगैरह दे रही होती है, कह रही थी कि आंटी ये लो आपकी चाय, और हम देखते हैं वो अपनी मम्मी को भी चाय दे रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं आंटी कह रही होती है अरे तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, मतलब इतनी बड़ी हो गई, मुझे याद है जब तुम दोनों साथ में हुए थे तब तुम दोनों बहुत छोटे थे यार, दो दो साल के थे। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना वो लड़की है मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, जो लियांग होती है वो बहुत ज़्यादा ब्लस भी कर रही होती है, कह रही थी क्या हम दोनों साथ में बड़े हुए थे, ओहो। अब वो खुश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं
आंटी सैन बोलने लगते हैं, कह रही होती है कि देखो अब हम मतलब हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं और हम बूढ़े हो चुके हैं, वैसे तुम और जो लिन जिंग हान है वो आखिर उनका माजरा क्या है बताओ। वो बताने लगते हैं, कह रही होती है कि पता नहीं उनका तो क्या ही बोलूँ मैं, पता नहीं, मैं बस उन्हें देखना चाहती हूँ, वो बहुत दिनों के बाद अभी तक नहीं आई हैं, मैं बस उन्हें देखना चाहती हूँ। और मेरे को तुमसे बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही है कि तुम्हारे पास तो अंकल हैं, मतलब तुम्हारे हस्बैंड हैं, वो हमेशा तुम्हारे साथ ऑनेस्ट हैं और सिंसियर हैं, हमेशा तुम्हारी बात मानते हैं। शिट, क्या करूँ मैं फिलहाल, हम देखते हैं। आंटी कह रही थी, अरे छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, वैसे तुम मतलब तुम बताओ कि तुम थी कहाँ, और तुम्हारी लाइफ मतलब आराम से नहीं रह सकती क्या तुम लोग, इतना मतलब क्यों बड़ा तबड़ी मचा रखा है तुमने। वो कह रही होती कि देखो तुम ऐसा क्यों नहीं सोच सकती कि ये नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि आखिर ये होना चाहिए। अब मैं बताऊँ तो यहाँ पर ना इनकी फैमिली में कुछ अनबन हो रखी होगी, जिस वजह से मतलब इनकी फैमिली में कुछ लोचा हो रहा होगा। खैर वो हर हर किसी की फैमिली में होता है, तो इनकी फैमिली में थोड़ा लोचा होगा। लेकिन हम देखते हैं, आंटी कहती हैं, कह रही होती है कि तो उसके बारे में क्या है, मतलब तुम इतने सालों से उससे दूर रही, उसके बारे में बताओ ज़रा। अब हम देखते हैं, वो आंटी बता रही होती है, कह रही थी कि पता नहीं, पता है तुम्हें, जब मैंने उसे स्काई मतलब ब्लू स्काई और नाताले छोड़ा था ना, तब मैंने सोचा था कि हमारा जो बॉन्ड होगा वो मतलब टूट जाएगा, और माँ बेटे का रिश्ता ऐसे कैसे टूट सकता है, वो तो मेरे ही ब्लड लाइन से है ना। अब वो बता रही होती, कह रही होती कि देखो मैंने अधिकतर टाइम ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यांग सिटी में स्पेंड किया है, और कुछ भी नहीं, मैं हमेशा मतलब नाथाले की तरफ आया करती थी, और मैंने उसे कॉलेज जाते हुए भी देखा है, मैंने बस उसे ज़्यादा ध्यान से देखा नहीं है। बाकी ठीक है, मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे जाके रहने लगी थी, और क्या ही बताऊँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं, आंटी कह रही होती कि वैसे अब वो बड़े हो चुके हैं, और पता है तुम्हें 6 महीने के अंदर ही वो इतना बड़ा हो चुका है, और अचानक चंगाई के अंदर बहुत बड़ा हो चुका है, वो भी तुम दोनों की वजह से। अब हम देखते हैं, आंटी को नहीं पता होता कि जो लिनी है ना वो अपनी बदौलत खुद से बड़ा हुआ है, मतलब सिस्टम की बदौलत, उन्हें लग रहा होता है कि वो इनकी वजह से हुआ है। आंटी कह रही होती है, अरे देखो तुम ऐसे बोलोगी तो मुझे लगता है कि तुम लिनी की जो फैमिली है ना उसके नाम को डुबा रही हो, और मैं बता दूँ उसके जो फादर है वो तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, और मैं तो बिजनेस मटेरियल हुई नहीं, तो हम लोगों ने उसकी कोई हेल्प नहीं करी है, ठीक है, वो खुद से बड़ा हुआ होगा, बाकी हमें नहीं पता। अब आंटी जैसे ये बात बोलती है ना, आंटी सैन घबरा जाती, कह रही थी क्या इसका मतलब लिनी की जो बिजनेस है वो उसने खुद से बनाया है, ओह नो, मैंने हमेशा सोचा था कि उसके पीछे तुम दोनों हो, मतलब तुम दोनों से सपोर्ट वगैरह कर रहे हो, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि उसने अकेले ने इतनी खतरनाक पावर बना ली है। शिट, तभी हम देखते हैं, वो पूछ रही होती है कि वैसे तुम्हारे अब फ्यूचर प्लान क्या होने वाले हैं, तुम आखिर क्या करने वाली, क्या तुम लिनी को देखने वाली हो। वो कह रही होती है कि नहीं, मैं उसे नहीं देख सकाऊंगी, क्योंकि मैंने उसे जन्म तो दिया है लेकिन मैंने उसे पाल पोस के बड़ा नहीं किया, और मैं नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जैसा वो है ना वो खुश रहे, बस ठीक ठाक रहे। फिलहाल हम देखते हैं, वो आंटी कह रही होती है कि अच्छा वैसे अगर मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी फैमिली जो किन फैमिली है उसे पता चल जाए, फिर मुझे लगता है कि वो उसे लेने के लिए आ जाएंगे, या फिर कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ दिक्कत ना हो जाए। वो कह रही होती कि इसीलिए तो मैंने बोला कि मैं उसे नहीं देखना चाहूँगी, और इसके अलावा जो हुआ था ना उसमें ना हमारी कोई गलती नहीं थी, उसमें किन फैमिली की ही गलती थी, और मेरे जो हस्बैंड हैं उन जिंगहान की कोई गलती नहीं थी, मुझे इतना पता है, बाकी गलती तो मुझे पता है किन फैमिली की ही थी। अब यहाँ पे कुछ मामला हुआ होगा, तभी हम देखते हैं वो जो आंटी होती है ना वो पूछ रही होती है, क्या तुम्हें पता है जो लिनी है वो मतलब ट्रायआउट और ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाला है। अब वो कह रही होती कि हाँ मैं जानती हूँ, मैंने उनके फादर से ये बात सुनी थी, और जो ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है ना वो फॉर्मल वाइज होने वाली है, मेरे को लगता है कि उसमें के अंदर कुछ 2-4 मीटिंग वगैरह भी होगी, तो मे भी हो सकता है कि इसके अलावा वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएं। कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ना कि जब बाप बेटे का मिलन वगैरह होगा, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। अब उस आंटी को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होती है ये बात सोच के, तभी हम देखते हैं वो चुपचाप खड़ी होती है और कह रही होती है कि चलो अब मेरे को चलना चाहिए, लगता है बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है मैं यहाँ पे लेट हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। अब वो जाने की बात कर रही होती, तभी हम देखते हैं आंटी सैन कह रही होती कि देखो तुम ऐसी चली जाओगी बिना कॉन्टैक्ट दिए, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, ठीक है पहले अपना कॉन्टैक्ट वगैरह दो मेरे को, ओके। अब वो हम देखते हैं वो जो अंडलिनी की मम्मी होती है ना वो भी कह रही थी कि ठीक है फिर ओके ले लो, और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।